1952 एक ऐसा साल जहां कैलिफोर्निया के ज्यूइश फैमिली में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आज दुनिया की हर एक बड़ी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक की। आइए जानते हैं इस कंपनी की कंप्लीट स्टोरी अगले 5 मिनट के अंदर। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 वैन नुइस कैलिफोर्निया में हुआ। उनका जन्म एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उनकी मदर एक इंग्लिश प्रोफेसर थी और उनके फादर एक शू स्टोर रन किया करते थे। 1974 में उन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से। 2 साल के बाद उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया अपना रियल इस्टेट से। 1976 में वो वॉल स्ट्रीट शिफ्ट हो जाते हैं और अपने करियर की शुरुआत करते हैं फर्स्ट बोस्टन एक न्यूयॉर्क की इन्वेस्टमेंट बैंक से। लैरी फिंक ने अपने हार्डवर्क से उस कंपनी को $1 बिलियन की प्रॉफिट कमा करके दिया और उन्हें एट द एज ऑफ 31 उस कंपनी का यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया, जो कि उस कंपनी की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। उनकी लाइफ में अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1986 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी एक रॉन्ग प्रिडिक्शन की वजह से उस कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हुआ और उसी साल उन्होंने डिसीजन लिया कि वो उस कंपनी को छोड़ देंगे। लैरी को कहीं ना कहीं ये तो पता था कि उनकी पुरानी कंपनी में लॉस उनकी वजह से हुआ है, तभी उन्होंने उस मार्केट में और भी ज्यादा रिसर्च करने का डिसीजन लिया। 1987 में प्लेन ट्रैवल करते वक्त उनकी मुलाकात राल्फ सॉलेस्टीन से हुई, जो कि शेयर्स इन मैनहट्टन में एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। राल्फ ने अपनी जॉब डिससैटिस्फेक्शन को लैरी को बताया और तभी दोनों ने डिसीजन लिया कि वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे। 1988 में लैरी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने इस कंपनी का विजन शेयर किया और एक न्यू बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फंडिंग का। तभी लैरी की मीटिंग ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ से हुई। फाइनली उन्हें $5 मिलियन की फंडिंग मिल गई इन एक्सचेंज ऑफ 50% शेयर्स। क्योंकि ये कंपनी ब्लैकस्टोन ग्रुप के अंडर आ रही थी, इसीलिए इस कंपनी का नाम पड़ा ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड। उस समय ये कंपनी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ग्रो कर रही थी। 1994 में इस कंपनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब ब्लैकस्टोन ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करने का डिसीजन लिया और ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन चुकी थी और इसका नाम पड़ा ब्लैक रॉक। 1999 में इस कंपनी ने अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दिया था। आज इस कंपनी ने हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। दिन भर में अगर हम 10 प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो उनमें से 7 प्रोडक्ट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी का प्रेजेंस है। 2008 में जब लेमन क्राइसिस आया था, इस कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड के टाइम जब सभी कंपनीज लॉस बुक कर रही थी तब भी इस कंपनी ने प्रॉफिट शो किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये कंपनी पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है तो इसका नाम बहुत से कम लोग क्यों जानते हैं और मीडिया में भी इसका प्रेजेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे भी इसी कंपनी का हाथ है। ब्लैक रॉक आज मीडिया सेक्टर के 90% स्टेक को ओन करती है। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ये भी यही कंपनी डिसाइड करती है। और लैरी फिंक नहीं चाहते हैं कि उनकी कंपनीज पब्लिकली एक्सपोज हो, जिससे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स पब्लिकली सबके सामने आए। आज ब्लैक रॉक की नेटवर्थ $10.5 ट्रिलियन की है, जो कि यूएसए की जीडीपी का 50% और इंडिया की जीडीपी का 3x है। आज के समय में सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनकी नेटवर्थ से ज्यादा की है, यूएसए और चाइना। आज इस कंपनी का प्रेजेंस उन कंट्रीज में भी है जो जल्दी फॉरेन कंपनीज को अपने कंट्रीज में इंटर नहीं करने देती हैं। वर्ल्ड के पावरफुल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेशंस, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के फंड्स को भी यही कंपनी मैनेज करती है। अगर आप दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनीज के नाम जानते हैं तो उन कंपनीज में इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। इस इमेजेस को ध्यान से देखिए, ये वो कंपनीज हैं जिसमें
ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट है। इस कंपनी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर चेकआउट करिए और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।